पहले बच्चों आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल बना लेता हूँ मैं, एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वो आपको गिवन है 2α-1, 3α+1। तो देखो ये दो मेरे को दे रखे हैं एक्स और वाई एक्सेस में, ये मेरे को पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये सेंटर है और बोल रहा है इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, इतना यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये ए है, ये है बच्चों -3, -1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए डायमीटर इज 20 यूनिट्स। बच्चों देखो डायमीटर यहां से यहां तक, अगर बोल रहा हूं मैं यहां से यहां तक एक डायमीटर है जिसकी लेंथ है 20 यूनिट्स, तो रेडियस कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, है ना, और ये यहां से यहां तक तो मेरा रेडियस है, तो जो रेडियस होगा रेडियस होगा वो कितना होगा? हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ 20 है, तो ये हो जाएगा रेडियस, हो जाएगा मेरा 10 यूनिट्स। और बच्चों रेडियस मेरे पे आ चुका है 10 यूनिट्स, यहां से यहां तक है 10 यूनिट्स, और देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ अल्फा निकालना है, तो बस मैं निकाल लेता हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। अब फॉर्मूला लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला का और वी विल गेट अवर आंसर। तो देखो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो सी ए या फिर ए सी अंडर रूट मैं लगाता हूँ x2 - x1² प्लस y2 - y1² है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स टू यहाँ पे मैं इसको लेट सपोज इसको मैं इसको कर लेता हूँ एक्स टू, इसको वाई टू, इसको x1 y1, तो देखो ये हो जाएगा 2α-1, 2α-1 माइनस और फिर -3² प्लस वाई टू है पे 3α+1 और फिर ब्रैकेट में लगाऊंगा मैं माइनस और फिर ये y1 भी मेरे पे माइनस ही -1² ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 2α और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 10, क्योंकि 10 यूनिट्स था, रेडियस मेरे पे 10 है ना, तो ये हो जाएगा -1 + 3² + 3α +1 माइनस माइनस है फिर +1² तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे इतना। तो मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ 10 2α + 2² + 3α + 2² है ना, तो देखो ये ऐसा हो गया है। अब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10² = ये हो जाएगा 2α + 2² + 3α + 2². अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये हो जाएगा बच्चों 100 = ये हो जाएगा 4α² + 4 + 8α + मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ ये 9α² + 4 + 3 = 6 = 12α, ठीक है, ये आ चुका है मेरे पे इतना। तो देखिए इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हो जाएगा 100 = 13α² + 12 और 8, ये हो जाएगा 20α + 8 है ना। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 12α² + 20α + 8 - 100 = 0। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 12α² + 20α - 92 = 0। देखो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन चुका है हम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 13, 12, ये है बच्चों 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 होगा बच्चों, 13α होगा, सॉरी 12α मैंने यहाँ लिख दिया, ये होगा 13α, ठीक है, ये 12 नहीं है, 13 होना था। अब ये मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पे अल्फा की दो वैल्यू आने वाली है,
अब बच्चों आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास अल्फा की दो वैल्यू आएगी। देखो ये होगा अल्फा माइनस टू, एक आएगा अल्फा माइनस टू, इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी होता है, मैंने आपको बताया ये। और 13 अल्फा प्लस 46 इक्वल टू जीरो, तो देखो एक बार अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टू और एक बार अल्फा की वैल्यू आ जाने वाली है -46/13। ये आप सॉल्व कर लेना, आपके दोनों आंसर आने वाले हैं, बस एक क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको नहीं आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी चैप्टर डाला है, इस पर आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं ना। तो बच्चों ये हमारा 13th भी हो चुका है, अब हम करते हैं 14th।